हेलो दोस्तों, नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर लेकर आए 24 जून की। और करंट अफेयर की शुरुआत करें इससे पहले आज के सुविचार की बात कर लेते हैं। साथियों, आज का सुविचार है, जिंदगी का कड़वा सच आपको बताता हूँ साथियों, कड़वा सच। ठीक है साथियों, जिंदगी का कड़वा सच मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप गिर जाते हो जीवन में, यदि आप गिर जाते हो तो आपको उठाने वाला कोई नहीं है साथियों। ठीक है, ज़िंदगी में आप गिर जाते हो तो आपको उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में आप थोड़ा ऊपर उठ जाओ, अपनी कामयाबी हासिल कर लो, ज़िंदगी में आप कामयाबी हासिल कर लेते हो तो आपको काफ़ी लोग गिराने के लिए मिलेंगे। तो साथियों, यही आज का सुविचार था, उम्मीद है कि आप इस सुविचार को समझेंगे। जैसे कि साथियों, आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर को लेकर साथियों। तो जो करंट अफेयर अपने वो इस प्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है वो 23 जून को मनाया जाती है साथियों, और खेल और स्वास्थ्य का जश्न मनाने के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये अवसर उस दिन को चिन्हित करता है जब 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी, और इस दिन का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और खेल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश फैलाना है। बेरन पियरी की कोबार्टनी ने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना की थी। आगे बात करें साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है वो भी 23 जून को मनाया जाता है, और विधवाओं की ओर ध्यान आकर्षित करने और उनकी समस्या को उजागर करने के लिए हर साल 23 जून को विधवा दिवस मनाया जाता है। और इस दिन की स्थापना द लूबा फाउंडेशन द्वारा विधवापन के मामले के में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। साथ ही 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को चिन्हित करने के लिए चुना गया था, क्योंकि इसी दिन 1954 में लॉर्ड लुम्बा की मां श्रीमती पुष्पावती लुम्बा विधवा हो गई थी। ठीक है साथियों, आगे बात करें, WWF इंडिया ने उपासना कामिनेनी, ठीक है, कामिनेनी को शामिल किया साथियों। तो WWF इंडिया ने अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में शामिल किया है। साथ ही इसका उद्देश्य अस्पताल और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयास की सराहना करना है। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया या WWF इंडिया 50 से अधिक वर्षों से प्राकृतिक विरासत और पारिस्थितिकी की रक्षा और सुरक्षा के लिए समर्पित रूप से काम कर रहा है। आगे बात करें साथियों, तो काजल सोए की पुस्तक लिखी है हब्बा खातून का विमोचन हो चुका है। संजना प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किया गया, और इस पुस्तक को काजल सूरि ने लिखा है। और हब्बा खातून कश्मीर की मशहूर कवित्री थी। काजल ने अपने ऊपर एक नाटक को किताब के आकार में प्रकाशित कर रचनात्मक कार्य किया है। वह वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में एक प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत है। ठीक है साथियों, साथ ही बात करें ताहिरा कश्यप की, तो उन्होंने नई पुस्तक की घोषणा की है। लेखिका ताहिर कश्यप खुराना ने अपनी 5वीं पुस्तक 7 जीन्स ऑफ बीइंग ए मदर की घोषणा की है। साथ ही ताहिरा कश्यप खुराना ने 2020 में अपनी 4थी पुस्तक 12 कमांडेंट्स ऑफ बोइंग ए वुमन लॉन्च भी की थी। साथ ही वह भारतीय महिला राइजिंग के 6 संस्थापकों में से एक है, जो एक सिनेमा समूह है और उसका उद्देश्य दुनिया भर में महिला कंटेंट रचनाकारों को बढ़ावा देना और हिम्मत देना है। आगे बात करें, भारत ने लॉन्च किया है अपना ओलंपिक थीम सॉन्ग। जुलाई अगस्त में होने वाले ग्रीष्मकालीन खेलों से पहले भारत ने 23 जून 2021 को अपना आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। साथ ही मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने है नामक गीत को गाया और संगीतबद्ध किया है। लक्ष्य तेरा सामने है खेल 23 जुलाई 2021 से शुरू होंगे, और अब तक 100 से अधिक भारतीय एथलीटों ने इस आयोजन के लिए क्वालिफाई किया है, और ये आयोजन है वो भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही बात करें साथियों, बेंगलुरु है वो शीर्ष 5 प्रौद्योगिक केंद्रों में से एक है। बीजिंग, शंघाई, बेंगलुरु, शेंचेन और सिंगापुर वर्तमान में एशिया प्रांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिक केंद्रों के रूप में उभरे हैं, और वे अधिभोगियों के लिए बुनियादी ढांचे और प्रतिमा का संतुलन प्रदान करते हैं, साथ ही मालिकों के लिए भविष्य के विकास और निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। ये जानकारी वो एक पेशेवर सेवा और निवेश प्रबंधन कंपनी कोरियस द्वारा एक शोध रिपोर्ट में दी गई थी। बात करते हैं साथियों भूटान, तो भूटान की TIWB कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की एक संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB ने 23 जून 2021 को भूटान में अपना कार्यक्रम शुरू किया।
भारत को भागीदार, ठीक है, भारत को भागीदारी क्षेत्राधिकारी के रूप में चुना गया और भारत ने इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषज्ञ प्रदान किए हैं। कार्यक्रम के लगभग 24 महीनों तक चलने की उम्मीद है। भविष्य में नदी अफवाह बढ़ने का अनुमान है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय पर्वतमाला में हिमपात और हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे हिमालय काराकोरम पर्वतमाला में गंगा जैसी नदियों के में जल आपूर्ति में बदलाव हो रहा है। साथ ही इन नदियों में कुल नदी अफवाह ग्लेशियर पिघलना और प्रवाह की मौसमी तक 2050 तक बढ़ने का अनुमान है। साथ ही ये साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ग्लेशियो हाइड्रोलॉजी ऑफ द हिमालय कारकोरम में दिया गया था। आगे बात करें जमशेद जी की, तो नसरवांजी टाटा दुनिया के शीर्ष परोपकारी हैं। उन्होंने 102.4 बिलियन डॉलर के दान के साथ भारत के अग्रणी उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नसरवा टाटा 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति हैं। और बिल और मेलिंडा गेट्स दूसरे स्थान पर हैं। विप्रो के संस्थापक हैं वो अध्यक्ष अजीम प्रेमजी 12वें स्थान के साथ। हुरुन रिसर्च और एडेल गिव फाउंडेशन द्वारा संकलित 50 वैश्विक परोपकारी लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय है। इत्यादि को देखिए आप, तो चंद्रो तोमर के नाम पर रखा गया शूटिंग रेंज का नाम। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में एक शूटिंग रेंज का नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय शूटर चंद्रो तोमर के नाम पर रखने का फैसला किया है, जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता है। और अप्रैल 2021 में कोविड के कारण चंद्रो तोमर का निधन हो गया था और शूटर दादी ने 7 साल की उम्र में पेशेवर शूटिंग शुरू की थी और उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी जीत हासिल की थी। उन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज निशानेबाज माना जाता है। तो साथियों उम्मीद है कि जो हम आपके लिए 24 जून की करंट लेकर आए थे, साथियों 24 जून की जो करंट अफेयर हम लेकर आए थे आपके लिए, आपको काफ़ी रोचक लगी होगी। और साथियों हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और भावी नॉलेज के लिए भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो जल्दी से करंट वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों, करंट वीडियो को शेयर कर दीजिए, करंट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आप ही का चैनल है किरण ऑनलाइन स्टडी की ओर, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साइट में राइट कॉर्नर में आपको घंटी का बटन दिखेगा, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो साथियों आज का दिन शुभ भी थे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए के उसके साथ।